A'udhu Billahi Minash Shaitwan Rajeem. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Very venerable viewers, we are going to talk about tolerance, approaching others in socially acceptable ways. These are measures we to promote tolerance in children with the help of making them to feel their self. Those are very special. तो बच्चे अपने आप की अहमियत महसूस करें, yes we are important. और जब उनकी इम्पॉर्टेंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जब उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप होगी. असल में टॉलरेंस डिस्टार्ट होती है जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि हमें तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है. तो वो अपने आप को फिर ये है कि एग्रेशन की तरफ ले जाते हैं. और उनको ये यकीन दिलाना बड़ा ज़रूरी है कि दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर लव्ड वंस, द पेरेंट्स आर लविंग फॉर देम एंड ऑल्सो दे टू लव विद ईच अदर. तो बच्चे शफकत और मोहब्बत और प्यार और इस तरह की बातों को समझते हैं. और कोई ऐसा लफ्ज़ जो उनकी तारीफ़ के लिए ज़रूरी हो, उनसे वो उसको ज़रूर उनको अदा करना चाहिए. और इसके लिए उनको अफेक्शन और उनको प्यार और मोहब्बत का कोई जो ऐसा मौका हो जिसमें ज़रूर उनको इजहार मिलना चाहिए, तो उसमें मिलना चाहिए. इसमें हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है मुख्तलिफ़ प्लेसेस पर, मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान और फिर मुख्तलिफ़ कल्चर में अपने आप को वो इजहार करते हैं, लेकिन यह है कि वो एडजस्ट नहीं होते, या फिर उनको यह है कि बाकी लोग जो है ना वो उस तरह से नहीं देखते. तो एक्सपोजर जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है. मुख्तलिफ़ लोगों तक जब वो पहुँचेंगे, जब इंटरेक्ट करेंगे, तो मुख्तलिफ़ लोग उनको मुख्तलिफ़ तरह से जवाब देंगे. हो सकता है वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट ना करें, या उनको उस तरह से उनको वो प्लेयर ना मिले. तो उनको बहर वो लफ्ज़ अदा करने हैं, उन लोगों से मिलना है, उन लोगों से जो अप्रिसिएशन मिले. बातों का दिया कि अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो उसके लिए उनको टॉलरेंट रहना चाहिए कि यस दिस वन इज़ द वे दैट हाउ द पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स. और उसमें उनके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हैं, जिसमें मसलन व्हेन दे आर एक्सचेंजिंग डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट लिटरेचर, और इसमें डिफरेंट फूड दे आर एक्सचेंजिंग, और इसमें यह है कि कल्चरल इवेंट्स हैं जिसमें वो इंटरेक्ट करते हैं. और उनको इंटरवीन करना चाहिए और उनको उस सिचुएशन में जाना चाहिए. उसको अंदाज़ा होगा कि दैट हाउ दिस कल्चर इज़ डिफरेंट, हाउ दिस कल्चर इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंटरेक्शन, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें सीखने को मिलती हैं. और उसमें बाज़ों का यह है कि वो टॉलरेंट नहीं होता, उस सिचुएशन में जाके उसे लगता है कि ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है. तो बहरहाल यह है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें उसे बहरहाल टॉलरेंट होना पड़ेगा, उसको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा. और उसके लिए बहरहाल ये मौका है मुख्तलिफ मौके पे. यानी हम देखते हैं कि एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो पेशेंट्स आर वेरी मिजरेबल कंडीशन, तो लेकिन डॉक्टर उतना मेजरेबल नहीं होता. उसका इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ तरह से, वो उसको बड़ी आराम से सूदिंगली वो ले रहा होता है, और वो उसको बड़ा यानी एनकरेज भी होता है वो चीज़ों को. वो जितने ज़्यादा पेशेंट से इंटरेक्ट करेगा वो एनकरेज होगा, वो उसको हेल्दी ले रहा होगा. इसी तरह बच्चों के लिए मामला हैं कि उनको जब ज़्यादा इंटरेक्शन मिलता है, ज़्यादा सिचुएशन मिलती हैं, तो दे बिकम वेरी हेल्दियर एंड टॉलरेंट फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस. और इसमें हम ये है कि वी गिव देम पॉजिटिव कमेंट, और उनको बिहेवियर में शेप अप करने में उनको रीइंफोर्स करते हैं, उनको इंश्योर करते हैं कि या दैट बिहेवियर इज़ वेरी गुड, दैट बिहेवियर इज़ वेरी सूदिंग, और जो जिस तरह से आपने ये इंटरेक्शन किया है दैट इज़ सूटेबल, दैट इज़ गुड, दैट इज़ मोर इंटरेक्टिव एंड वेरी गुड जेस्चर्स. और समटाइम हम उन्हें ख़ास अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नो नॉट एट ऑल, और बड़ी हार्शली कह रहे होते हैं, तो के बजाय उन्हें हमें अगर रोकना है
तो इसको आप नहीं करें, थोड़ी देर के लिए डिले कर लें, इस तरह के, यानी वी बी वेरी जेंटल, ऐसे सूदिंग वर्ड्स उनको बोलने चाहिए, अदा करने चाहिए, ताकि वो उससे सीखें, उसको मॉडल करें। और फिर ये है कि जब मॉडल कर रहे होंगे तो उसमें वो सीख रहे होंगे कि ऐसी सख्त सिचुएशन थी, उसमें हम किस तरह से बोले, हमने किस तरह से इंटरेक्ट किया, हमने किस तरह से डिस्कस किया, और फिर हमने किस तरह से इंटरेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।